दोस्तों स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल अवर सिलेक्ट्रिशियन में। आज की वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं जो हमारा 16 एम्पेयर का कंबाइंड बॉक्स होता है, कोई भी इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड होता है, उसकी वायरिंग हम कैसे आसानी से कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से आपको इस वीडियो में समझाएंगे ताकि किसी भी तरीके की परेशानी आपको ना हो, और इसमें आपको बिल्कुल अच्छी तरह से स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन दोस्तों इसके लिए आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी, एंड तक देखनी पड़ेगी। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों हमने इस कंबाइंड बॉक्स को हमने खोल लिया है, अब इसके दोनों स्क्रू हम खोल लेते हैं। दोनों स्क्रू खोलने के बाद आपको अंदर की जो वायरिंग है वो बताएंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताएंगे, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होगी, कुछ भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन आपको वीडियो देखनी है पूरी, तभी आपको समझ आएगा। तो दोस्तों हमें इसमें जो मिलता है वो एक स्विच मिलता है जिसके दो टर्मिनल है, ये ऊपर और नीचे दो दिए गए हैं, और इसमें सॉकेट की साइड तीन टर्मिनल दिए हुए हैं, जिसमें एक में हम लगाएंगे न्यूट्रल की वायर, दूसरे में लगाएंगे हम फेस की वायर, और एक में लगेगा अर्थिंग की वायर। तो दोस्तों अभी आपको सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक रेड कलर का वायर का टुकड़ा लेना है। सबसे पहले हमें रेड कलर का वायर का टुकड़ा लेना है, जिसको हम जो सॉकेट का जो ये एल वाला हिस्सा है जहाँ पर एल लिखा हुआ है, देख लीजिए दोस्तों आप यहाँ पर एल लिखा है, एल जहाँ लिखा है उसमें हम इस वायर के टुकड़े को सबसे पहले कनेक्ट कर देंगे इस टर्मिनल में, न्यूट्रल वाले जो कंबाइंड बॉक्स के एक एल वाले टर्मिनल में जहां लाइन लिखा हुआ है वहां पे हम इस वायर के टुकड़े को कनेक्ट कर देंगे, और स्विच के जो नीचे वाले टर्मिनल में हम इसको कनेक्ट कर देंगे जहां पे एल लिखा हुआ है। तो आप अगर थोड़ा ध्यान देंगे तो आप इसको अपने हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि L का जो सिंबल होता है वो लाइन का सिग्नल सिंबल होता है, या इसको आप लाइट भी बोल सकते हो। तो इसमें हमें करंट सप्लाई देनी है, जो स्विच के थ्रू जो पावर सप्लाई जाएगी इस बोर्ड में, इस कंबाइंड बॉक्स में, उसकी हमें सप्लाई देनी है। और उसके बाद दोस्तों खाली दो टर्मिनल हमारे पास बचे हैं, एक स्विच का एक टर्मिनल ये है और दूसरा टर्मिनल ये है। तो इसमें हम जो न्यूट्रल की सप्लाई देंगे और इसमें देंगे हम जो पावर की सप्लाई है वो। तो उसके लिए हमें पावर की सप्लाई के लिए दोस्तों हमेशा रेड कलर की वायर यूज़ कीजिए, उसको हम कनेक्ट कर देंगे जो स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल जो बचा हुआ है उसमें हम कनेक्ट कर देंगे। अच्छी तरह से कर देंगे दोस्तों, अगर लूज रहेगा तो स्पार्किंग होगी, स्पार्किंग होगी तो हमारा बोर्ड जल जाएगा। इसके बाद दोस्तों जो टर्मिनल का जो सॉकेट का जो दूसरा हिस्सा है उसमें हम इसको कनेक्ट कर देंगे, जो N लिखा हुआ है आप देख सकते हैं इसमें N लिखा हुआ है, ये देखिए इसमें N लिखा हुआ है, आप यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दीजिए। अच्छे से खोल लेंगे दोस्तों। उसके बाद इसमें जो ब्लैक वायर है, ब्लैक वायर में हम न्यूट्रल देंगे, जो पोल से न्यूट्रल और फेस आती है ब्लैक और रेड कलर की, उसको हम कनेक्ट करेंगे। दोस्तों एक जो पॉइंट बच गया है वो है टर्मिनल जो है वो अर्थिंग का होता है, जो ग्राउंड जो हम लोग करते हैं घरों में उसका होता है। अगर आपके घर में ग्राउंड है तो आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, इस वायर को भी कनेक्ट कर सकते हो, ग्रीन कलर की इस वायर को लेना है। ये देखिए दोस्तों अभी हमने इसको कनेक्ट कर दिया है, न्यूट्रल और फेस दोनों दे दिए। अभी इसको हम इस कैम बॉक्स के अंदर से बाहर निकाल लेंगे, यहाँ पर एक होल करना पड़ेगा, होल करने के बाद हम इसको बाहर निकाल लेते हैं, उसके बाद हम आपको इसको चेक करके दिखाएंगे। दोस्तों इसमें हमने होल कर लिया है, अभी होल करके आपको इसमें दोनों वायर इसके अंदर से निकाल लेंगे, और वायर को निकालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से फिट कर लेंगे, फिट करने के बाद आपको इसको चेक। दोस्तों इस वायर को गांठ मार लेंगे, गांठ बांधने के बाद दोस्तों यह जो है वो अंदर से हिलेगी नहीं और जो बोर्ड में से है निकलेगी नहीं। अब यहाँ जो सुराख हमने निकाला है उस सुराख में से हम इसको होल में से बाहर निकाल लेंगे, और फिर कर देंगे इसको प्रॉपर अच्छी तरह से स्क्रू लगा देंगे। स्क्रू लगाने के बाद यह फाइनल हो जाएगा, और आपको चेक करके दिखाएंगे कैसे यह वर्क करता है। दोनों स्क्रू इसमें हम लगा देंगे, दोस्तों स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी जानकारी दे दी है हमने, और दोनों स्क्रू हम इसके टाइट कर देंगे।
लीजिए दोस्तों, अभी हमारा जो बोर्ड है, जो कंबाइंड बॉक्स है 16 एम्पीयर का जो कंबाइंड बॉक्स है, वह अपडेट हो गया है। अभी हम इसको देंगे पावर सप्लाई। पावर सप्लाई लेने के बाद हम इसको आपको चेक करके दिखाएंगे दोस्तों। पावर सप्लाई के लिए आप कहीं से भी पावर सप्लाई दे सकते हैं। हमने एक बोर्ड ले रखा है, उस बोर्ड में हमने पावर सप्लाई पहले से ही देकर रखी है। अभी दोस्तों इसको पावर सप्लाई मिल चुकी है और इसको हम आपको अभी टेस्ट करके दिखाते हैं दोस्तों। टेस्टिंग के लिए हमने पावर सप्लाई दे दी है इस बोर्ड को, और एक आयरन है हमारे पास। आयरन को हम चेक करके दिखाते हैं। सबसे पहले हम इस स्विच को ऑफ कर लेते हैं और इस थ्री पिन शू को पावर वाले कंबाइंड बॉक्स के सॉकेट में हमने लगा दिया है। अभी हम इस स्विच को करते हैं ऑन, और ये देखिए दोस्तों हमारा जो इंडिकेटर है वो प्रेस का जल चुका है। इसको कर देते हैं ऑफ, तो ये हमारा अच्छे तरीके से बोर्ड जो है प्रॉपर तरीके से बन चुका है दोस्तों। अगर आप किसी भी प्रकार के कमेंट बॉक्स की वायरिंग को सीखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हम हर प्रकार के कमेंट बॉक्स की, हर प्रकार के स्विच बोर्ड की वायरिंग आपको अच्छे तरीके से समझा देंगे दोस्तों। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी यूजफुल वीडियो आपको भविष्य में मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद।